हेलो फ्रेंड, इस वीडियो हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आंसर की आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं आप आसानी से कैसे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कमेंट में जवाब दिया कि बहुत सारे जन पूछते हैं कि पीजी की आंसर की आ गई, पीएचडी या यूजी की, तो मैं बोलता हूँ हाँ, तो वो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कमेंट में जवाब दिया है। तो ऐसे में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चाहे वो यूजी हो, पीजी या पीएचडी, सारी आंसर की रिलीज़ हो गई हैं। तो हम देखने वाले हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। जो वीडियो जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो हम देखने वाले हैं कैसे डाउनलोड कर सकते। तो सर, सबसे पहले गूगल या क्रोम ओपन करेंगे आप लोग और सर्च बार में टाइप करेंगे डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी। सिंपली डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी टाइप करना है। जैसे कि मेरे में ऊपर टाइप है, दिख रहा होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने ये पेज पहले भी देखा होगा ऐसा ओपन। तो हमें लेटेस्ट अपडेट नीचे देख रहे होंगे आप लोग, लेटेस्ट अपडेट ये दिख रहा होगा, जिसमें आंसर की पीएचडी, पीजीईटी, यूजीईटी, तो हम व्यू ऑल पे कर सकते हैं। तो सारे जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं तो देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं। जैसे कि ये आ रहा होगा एडमिट कार्ड के नीचे, देख पा रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट। तो जो जैसे कि सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे एडमिट कार्ड, एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन सेल, तो वहीं पे आंसर की भी आती है, आंसर की का ऑप्शन आता है, तो वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम करते हैं व्यू ऑल पर, व्यू ऑल पर करने पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, सारे लेटेस्ट अपडेट हैं जो, तो वो देख सकते हैं। तो हमें देखना है आंसर की, तो नीचे देख पा रहे होंगे 20 जो 20 तारीख को रिलीज हुई है आंसर की पीएचडी की देख पा रहे होंगे, आंसर की पोस्ट ग्रेजुएशन, आंसर की यूजीईटी अंडर ग्रेजुएट, तो सारे कोर्सेज की जो आंसर की है वो रिलीज हो गई हैं। तो जिन्होंने अपना पेपर चेक नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन चैनल पे भी अपलोड हो गए हैं विथ आंसर की, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एक आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड करके, तो हम यूजी पर क्लिक करेंगे आंसर की। आप देख पा रहे होंगे आंसर की ऑफ यूजीईटी 2020, तो जो कोर्स कोड दिए हैं अपने कोर्स कोड के हिसाब से आप अपना आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि फार्मेसी का कोड है 142, बीएससी मैथ 140, बीएलएलवी 150, तो अपने कोर्स कोड के हिसाब से जो भी आप आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ऐसे ही पीएचडी, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सारे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं आप। आंसर की डाउनलोड करने के लिए जिस भी कोड का आंसर की डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो हम देखने वाले हैं 170 पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाएगी आंसर की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो कि है सब्जेक्ट LLB 3 years, एंट्रेंस टेस्ट कोड 170, जो 170 टेस्ट कोड है वो है LLB का। तो ऐसे ही सिंपली स्टेप बाय स्टेप आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की का, चाहे वो फिर PG हो या UG, PhD। हम जैसे कि देखें PhD का डाउनलोड करके, तो PhD पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और देख पा रहे होंगे आंसर की ऑफ PhD 2020। तो इसमें कोर्स कोड दिए हैं, तो अपने कोर्स कोड के हिसाब से
डाउनलोड कर लें। जिस भी कोड का आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड करके देखेंगे, पीएचडी का भी, तो वन जो नीचे सबसे नीचे हम वो क्लिक करते हैं, 135 कोड है जिसका। यह है सब्जेक्ट जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट कोड 435। तो यह है जूलॉजी का जिसका कोर्स कोड है 435। तो ऐसे सारे कोर्सेज का आप अपने जो भी पेपर दिया है जिसका भी आंसर की देखना चाहते हैं तो आप अपने कोड के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पेपर चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।